कैसे हो आप सब? आई हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको फोन कैमरे के पांच इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि गाइस आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हम अपने फोन के कैमरे से अच्छा फोटो नहीं खींच पाते हैं, अच्छा वीडियो नहीं बना पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसको आप यूज करके दोस्तों आप अपने फोन से DSLR की तरह फोटो खींच सकते हो, वीडियो बना सकते हो। क्योंकि गाइस काफी सारे लोग महंगा फोन खरीद लेते हैं, अच्छे कैमरे का फोन खरीद लेते हैं, इसके बावजूद भी वो अपने फोन से अच्छा फोटो नहीं खींच पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने फोन के कैमरे के फीचर्स को यूज नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में गाइस मैं आपको जिन सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, अगर आप उनको अपने फोन के कैमरे में कर लोगे, अगर आप ट्रिक्स को यूज करोगे, दोस्तों आप अपने फोन से DSLR की तरह फोटो खींच सकते हो, वीडियो बना सकते हो। जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा और आपसे पूछेगा कि यार भाई आपने इस फोटो को कौन से कैमरे से, कौन से फोन से खींचा हुआ है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि आखिर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। ठीक है, अब चले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चले मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको सबसे पहला काम अपने फोन के कैमरे में क्या करना है। गाइस काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे फोन के कैमरे से फोटो अच्छा नहीं आता है, ठीक है, वीडियो अच्छा नहीं बनता है। हमारे फोन के कैमरे में कोई ऐसा सेटिंग ऑन हो जाता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। जब हम मार्केट से नया फोन खरीदते हैं तो उस टाइम पर काफी अच्छा फोटो आ रहा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद फोटो अच्छा नहीं आता है, वीडियो अच्छा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि फोन के कैमरे के कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जो हमसे गलती से ऑन हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। ना हम उसको ऑफ कर पाते हैं, ना ही फोन के कैमरे को ठीक कर पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहला सेटिंग यही बताने वाला हूं कि कैसे आप पता कर सकते हो कि आखिर आपके फोन के कैमरे का कौन सा सेटिंग खराब हुआ है। सिंपली आपको फोन के कैमरे को ओपन करना है, इसके बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रीस्टोर डिफॉल्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां से आपको सेटिंग्स को रीस्टोर कर देना है। इसका फायदा यही है कि अगर आपके कैमरे में कोई ऐसा सेटिंग ऑन हो जाता है जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, दोस्तों वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, यानी आपके फोन के कैमरे का जो सेटिंग है वो पहले की तरह हो जाएगा। जब हम मार्केट से नया फोन खरीदते हैं जो सेटिंग्स हमें मिलते हैं सेम वही सेटिंग्स हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे हम क्या करते हैं कि शटर साउंड को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, शटर साउंड को ऑफ कर देते हैं और हमें इसके बारे में पता नहीं है कि इसको ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, रीस्टोर डिफॉल्ट पर क्लिक करके रीस्टोर कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो ऑटोमेटिक ये ऑन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने फोन के कैमरे के सेटिंग्स को ठीक कर सकते हो, पहले की तरह कर सकते हो, ठीक है। अब यार देखो यहां पर आपको काफी सारे फीचर्स मिलेंगे, कैमरे में काफी सारे फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो फीचर है वो है ब्यूटी का, ठीक है, यानी AI रीटचिंग। ये जो फीचर है ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। पहले कुछ ऐप्स आते थे जिनको हम यूज करते थे, जैसे ब्यूटी प्लस हो गया, इस तरह के काफी सारे ऐप्स आते थे जिनको हम यूज करके सेल्फी लेते थे, फोटो खींचते थे। दोस्तों अब ऐसे एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ब्यूटी प्लस इस तरह के जितने भी एप्लीकेशन आते थे उनकी कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये फीचर यूज करना है, ठीक है। जब भी आप सेल्फी लो या रियर कैमरे से फोटो खींचो, सिंपली आपको इसको सेट करना है। और दोस्तों इससे आप अपने फोटो को शार्प बना सकते हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। इसको आपको अपने हिसाब से सेट करना होगा। अभी आपको जो डिफरेंस है वो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन दोस्तों जब आप रियल लाइफ में इसको यूज करोगे ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आप फोटो के ब्यूटी को इंप्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, फिल्टर को यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप एक बार जरूर ट्राई करना। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा HDR मोड का, ठीक है, यहां पर ऑप्शन मिलेगा HDR मोड का। काफी सारे लोग इस फीचर को यूज नहीं करते हैं, वो इसको यूज नहीं करते हैं, इसको ऑन नहीं रखते हैं। आपको हमेशा HDR मोड को ऑन करके रखना है। इसका फायदा यह है कि जब भी आप कोई भी फोटो खींचोगे आपका फोटो HD मोड में क्लिक होगा, कैप्चर होगा, आपका फोटो HD में क्लिक होगा, आप उसको कितना भी जूम करोगे वो फटेगा नहीं, इसका यही फायदा है। तो दोस्तों आपको जब भी फोटो खींचना हो आप HDR मोड को ऑन करके ही फोटो खींचना, ठीक है।
अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा एआई का, ये जो फीचर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफी टाइम ऐसा होता है कि जब हम फोटो खींचते हैं तो धूप ज्यादा होता है या अंधेरा ज्यादा होता है, हमारे कैमरे पर सीधा लाइट आता है, ठीक है, तो फोटो अच्छा नहीं आता है, ब्लैक आ जाता है या ज्यादा लाइट आ जाता है। तो सिंपली आपको एआई फीचर को ऑन कर देना है। ये क्या करेगा कि आपके ब्राइटनेस को यानी जो लाइट है उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से ये उसको एडजस्ट कर देगा, आपका फोटो काफी जबरदस्त क्लिक होगा। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, फीचर है, ये है गूगल लेंस। दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है, सामान होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो दोस्तों आप गूगल लेंस को यूज कर सकते हो, गूगल लेंस को यूज करके पता कर सकते हो कि आखिर ये कौन सा सामान है, ये क्या चीज है, कहां पर मिलता है, ठीक है, आप पूरा इंफॉर्मेशन जान सकते हो। सिर्फ आपको उस प्रोडक्ट का इस तरह फोटो खींचना है, आपको इस तरह फोटो खींचना है और दोस्तों ऑटोमेटिक यहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आपने देखा ये कवर है, तो इससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट से आ गए हैं, ये किस टाइप का कवर है, कितने का मिलता है, कहां पर मिलता है, क्या प्रोडक्ट है, सब कुछ आपको यहां पर शो हो जाएगा। इस तरह गाइस आप गूगल लेंस फीचर को यूज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह आप गूगल लेंस फीचर को यूज कर सकते हो, यहां पर होम स्क्रीन पर होता है, ठीक है, इसको बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, ये काफी यूजफुल फीचर है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर और भी काफी सारे सेटिंग्स मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पर एक सेटिंग मिलेगा फ्लिप सेल्फी, आपको इसको ऑन कर देना है। इसका फायदा यह है कि काफी टाइम ऐसा होता है कि जब हम किसी टेक्स्ट का सेल्फी लेते हैं, ठीक है, जैसे हम कोई ऐसा टी शर्ट पहनते हैं जिस पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो दोस्तों जब हम सेल्फी लेते हैं तो फोटो में जो टेक्स्ट दिखता है वो हमें उल्टा दिखता है, सीधा नहीं दिखता है, ठीक है, तो सिंपली आपको फ्लिप सेल्फी को ऑन कर देना है। दोस्तों जब आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे, आप सेल्फी लोगे, आपके टी शर्ट पर शर्ट पर अगर कुछ लिखा रहेगा तो वो आपके फोटो में सीधा दिखेगा, ठीक है, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा। काफी सारे लोगों को इस सेटिंग के बारे में पता नहीं होता है तो वो इसको ऑन नहीं करते हैं, आपको इस सेटिंग को हमेशा ऑन करके रखना है, ठीक है। अब आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा लोकेशन का, ठीक है, लोकेशन का आपको इसको ऑन कर देना है। ये भी काफी अच्छा फीचर है। काफी टाइम ऐसा होता है कि हम घूमने जाते हैं, ठीक है, हम घूमने जाते हैं, वहां पर काफी सारे फोटोज कैप्चर करते हैं, फोटो खींचते हैं, तो दोस्तों जब हम कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद उस फोटो को देखते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि आखिर इस फोटो को हमने कहां पर कैप्चर किया था, हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आप बहुत ही इजिली फोटो पर लोकेशन को ऐड कर सकते हो, जब आप बाद में उस फोटो को देखोगे तो आप लोकेशन देखकर पहचान जाओगे कि आखिर ये फोटो आपने कब खींचा था, कहां पर खींचा था। सिंपली आपको लोकेशन वाले ऑप्शन को ऑन करना है, इसके बाद आपको फोटो को कैप्चर करना है, ठीक है। जैसे हम फोटो को कैप्चर करते हैं, अब हम फोटो को ओपन करते हैं, दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो लोकेशन ऐड हो चुका है। इस तरह गाइस आप इस फीचर को यूज कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है कि इस सेटिंग को हमेशा ऑन करके नहीं रखना है, नहीं तो आपके फोन की बैटरी ड्रेन हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। जब भी आपको फोटो खींचना हो तभी आप इस सेटिंग को ऑन करो, ठीक है। इस तरह के आपको काफी सारे फीचर्स यहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।